हिमाचल के एग्जिट पोल के रुझान से डरी बीजेपी सरकार। जयराम के बदलने लगे सुर, कहा टक्कर कांटे की। कांग्रेस का दावा, परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है, इंतजार नतीजों का चल रहा है जो गुजरात चुनाव के साथ 8 दिसंबर को आएंगे। नतीजों से पहले 5 दिसंबर को तमाम टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल प्रसारित किए जाएंगे। हिमाचल का एग्जिट पोल तैयार हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देशों के चलते इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं, या यूं कहें बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सोर्सों से एग्जिट पोल के रुझानों की जानकारी हासिल की है, वो चौंकाने वाले बताए जा रहे हैं। इन रुझानों ने सत्ताधारी दल की नींद उड़ा दी है। अब तक 2/3 से ज्यादा बहुमत का दावा करने वाली बीजेपी अब साधारण बहुमत की बात करने लगी है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। उनके बयानों से लग रहा है कि चुनाव कांग्रेस भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। जयराम ठाकुर के ये बदलते बयान संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी हिमाचल में बुरी तरह फंस गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है। कांग्रेस ने इस बार अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है, लेकिन उसके कई दिग्गज नेता इस बार हारने वाले हैं। जयराम ने कहा, हिमाचल चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम ये चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं, और ना ही कांग्रेस ऐसा कह सकती है कि वो एक तरफा चुनाव जीत रही है। यहाँ एक बात तय है कि इस चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं की हार होने वाली है। इसके साथ ही जयराम ने यह भी कहा कि इस बार राज्य में सबसे ज्यादा मतदान हो सकता है। राज्य के कई लोग सेना में नौकरी करते हैं, सर्विस वोटरों का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। इनका आंकड़ा आता है तो मतदान का प्रतिशत 70 तक पहुंच सकता है, जो हिमाचल में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत होगा। हिमाचल में महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है, जो अच्छी बात है। मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी राज्य में एक बार फिर सत्ता में आ रही है। कांग्रेस क्या कह रही है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दरअसल बीजेपी नेताओं को टीवी चैनलों के एग्जिट पोल की जो खबर लगी है, उसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता कांटे की टक्कर में फंसे बताए जाते हैं। 2 दर्जन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम बताया गया है, जिसके बाद से बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई है। सर्वे की रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा कर रही थी कि बीजेपी ने जो अनुमान लगाया था, बागियों ने उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। विधानसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ था, उस समय अधिकांश सर्वे बीजेपी को 2/3 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल ऐसा होगा ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, जिस कारण से बीजेपी नेताओं में डर दिखाई दे रहा है। वैसे सर्वे में हकीकत में क्या है ये 5 दिसंबर को सामने आएगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को भी सर्वे से ज्यादा खुशी नहीं दिख रही है, क्योंकि किसी सर्वे में बीजेपी को भारी बताया गया है तो किसी में कांग्रेस बाजी पलटती दिख रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार उसकी ही बनने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि कांग्रेस को 45 से ज्यादा सीटों पर जीत मिल रही है और अगली सरकार कांग्रेस की बन रही है। 35 साल से जो रिवाज पहाड़ पर चला आ रहा है वो ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।